بسم الله الرحمن الرحيم. ड्राइवर और घरेलू मुलाजम कोरोना के डॉक्टर बने मगर पकड़े गए। सऊदी दारुल हुकूमत दरियाज में नए कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन का कारोबार करने वाले पकड़े गए। दोनों खुद को डॉक्टर जाहिर कर रहे थे जबकि असल में वो डॉक्टर नहीं थे। कोरोना वायरस की वैक्सीन इंजेक्शन और दवाओं की सूरत में पाकिस्तानी शहरियों और दीगर ममालिक के बाशिंदों को फरोख्त कर रहे थे। अलमरसद के मुताबिक रियाज के मुतादद सरकारी इदारों की नुमाइंदा टीमों ने दो गैर मुल्कियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मौके पर लिया गया वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। दोनों पाकिस्तानी शहरी जिस कमरे को कोरोना वायरस क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ हिफाज़ाने सेहत के जवाबत की कोई पाबंदी नहीं हो रही थी। कमरे में मुतादद दवाओं का स्टॉक रखा हुआ था। पूछगिछ से पता चला कि दोनों एक वैक्सीन पर 150 रियाल वसूल कर रहे थे। एक सऊदी जर्नलिस्ट ने ट्विटर वीडियो क्लिप शेयर करके बताया है कि दो गैर मुल्की कोरोना वायरस का कारोबार करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें एक घरेलू मुलाजिम है जबकि दूसरा निजी ड्राइवर है। दोनों वैक्सीन और दवाएं फरोख्त करने के लिए नाम नेहाद क्लिनिक के बराबर में अपना ठिकाना कायम किए हुए थे।